रियलमी 9i का एक बार फिर से अपडेट आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देख लीजिए रियलमी UI 3.0 आ गया है, इसमें एंड्रॉयड 12 है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है दोस्तों कि रियलमी 9i का जब भी अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं मल्टीटेक चौहान। दोस्तों ये देखिए रियलमी 9i का जो अपडेट आया है, इसमें जो भी चेंजिंग आपको मिलने वाला है वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए क्या क्या चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपडेट 4 GB का है, तो हमने 6 GB का एक्स्ट्रा डाटा रिचार्ज कर लिया है। तो ये देर न करते हुए इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, तो आपका कीमती समय बचाने के लिए हम वीडियो को स्पीड कर देंगे और तब तक हम कुछ बातें कर लेंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का अपडेट दिखाया था, जिसमें कि 3 समथिंग GB का अपडेट आया हुआ था, लेकिन वो अपडेट जो है डायरेक्ट डाटा से डाउनलोड नहीं हो पाया था। हमने आपको बताया भी था कि बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पे कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए जिससे कि अपडेट डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। वो सब फालतू का वीडियो है, आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। हमने क्या बताया था आपको कि आप सिंपली अदर मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके डाउनलोड कीजिए और इजीली डाउनलोड हो जाएगा। हमने भी उसी तरीके से डाउनलोड किया था वाईफाई के तरीके से, और इजीली डाउनलोड हो गया था और अच्छा से इंस्टॉल हो गया और बिल्कुल वर्क करने लगा, ठीक है। तो आप इधर उधर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, जो भी करना है सटीक चीज़ कीजिए, नहीं तो वैसे ही परेशान होते रहिएगा और आपका अपडेट भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, हमने पहले बताया आपको कि हर बार जिक करते हैं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ फैक्ट की चीज़ें ही बताएंगे, कोई भी गलत चीज़ हम नहीं बताएंगे, और हम आशा करते हैं कि अपने हम वादे पे सटीक रहेंगे, आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ओके तो दोस्तों अब डाउनलोडिंग लगभग कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों हम आप लोगों से हर बार एक बात कहते आ रहे हैं, लगभग हर एक वीडियो में कहते हैं, जो भी टेक्निकल वीडियो हमारा होता है उसमें लगभग कहीं देते हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम भी थोड़ा आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, आगे भी बहुत सारा वीडियो आते रहेगा। हमारे पास बहुत सारा वीडियो शूट करके रखा हुआ है, लेकिन हमें टाइम कम मिल पाता है, इस वजह से मिक्सिंग नहीं कर पाते रेगुलरली, तो हम वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारा वीडियो शूट करके रखा हुआ है, टेक्निकल हो या फिर किसी और चीज़ का हो, बहुत सारा वीडियो रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलता रहेगा हम आप लोग के वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया कीजिए। ओके दोस्तों, लगभग देखिए डाउनलोड कंप्लीट ही हो गया है, कंप्लीट क्या हुआ 100% हो ही गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, विद इन 30 to 40 सेकंड लगेगा, उसके बाद रिबूट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर अपडेट नाउ का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए तब तक वेट कर लेते हैं। दोस्तों रियलमी का अपडेट लगभग हर महीने मिल रहा है, जब से हमने रियलमी 9i लिया है तब से अपडेट मिल रहा है, और हर बार सिक्योरिटी अपडेट रहता है। इस बार लेकिन पूरा चेंजिंग है, पूरा यूजर इंटरफेस चेंजिंग है। UI 3.0 मिल रहा है, एंड्रॉयड 12 मिल जा रहा है, इसके पहले एंड्रॉयड 11 था, अभी एंड्रॉयड 12 मिल जा रहा है। बहुत तरह के चीज़ों में चेंजिंग किया गया है। आगे आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको हर एक अपडेट का जानकारी मिलता रहे। देखिए दोस्तों डाउनलोडिंग फुली कम्प्लीट हो गया है, अब अपडेट नाउ का ऑप्शन आ गया है, अब इसे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में भी अपडेट नाउ लिख रहा है, डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपली वेरीफाइंग का एक लोगो आएगा और वो घूमते घूमते फिर रिबूट होगा और आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्लिक कर दिया है, देखिए वेरीफाइंग आ गया है। वेरीफाई करके बस लगभग 30 सेकेंड के लिए आप वेरीफाई करेगा, उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और मोबाइल अपडेट कम्प्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स मोबाइल अब रिबूट होने वाला है, तो हमने
दूसरे मोबाइल से वीडियो शूट कर लिया है। इसके पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डर का वीडियो देख रहे थे, अब मोबाइल का वीडियो देखिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, हम कोई भी चीज़ हाइड नहीं रखते हैं, हर चीज़ क्लियरली दिखाते हैं। चाहे वो मोबाइल रिलेटेड इशू हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड इशू हो, हमने कंप्यूटर भी जब असेंबल किया था एक, तो उसमें जब हमने फॉर्मेट किया था, विंडोज़ इंस्टॉल किया था, तो सारी चीज़ें हमने क्लियरली बता दी थी कि किस तरह से विंडोज़ को फॉर्मेट किया जाता है, कैसे विंडोज़ इंस्टॉल किया जाता है। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो विंडोज़ को इंस्टॉल करने का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए। और वहाँ से उसमें जो कमेंट दिया गया है बहुत से लोगों के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस तरह का वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपका साथ रहा तो हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, देखिए 7th स्टेज कंप्लीट हो गया है, अब एक स्टेज बाकी है। विद इन 2 मिनट लिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं आपका कीमती समय बचाने के लिए। ओके दोस्तों, अब मोबाइल फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, ये देख लीजिए आपके सामने सब चीज़ है। विद इन 10 से 20 सेकंड में ये मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो आपके सामने होगा, आप तब तक वेट कर लीजिए। हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, ये देख लीजिए रियल मी लिखा गया है, पावर्ड बाय एंड्रॉइड, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, देखिए आगे ऑप्टिमाइजिंग एप्स 62% कंप्लीट हो चुका है, बहुत फास्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, हमने वीडियो को भी थोड़ा स्पीड करके रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब ये लगभग कंप्लीट हो गया है, जो भी हमारा अपडेट था, Realme UI 3 हो गया या फिर Android 12 हो गया, लगभग हमने अपडेट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो मोबाइल एक बार फिर से रिस्टार्ट होगा या फिर डायरेक्ट ऑन ही रह जाएगा, लगभग हमें लग रहा ऑन ही रह जाएगा, देख लीजिए सेकंड। हाँ दोस्तों, मोबाइल ऑन रह गया है, अब हम ओपन करके आपको दिखाते हैं क्या क्या चेंजिंग आया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए न्यू वर्जन इंस्टॉल, वाओ। अब आप इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या क्या है नहीं है। दोस्तों सबसे पहला अपडेट तो आपको यहीं पे मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो डिजाइनिंग था ब्राइटनेस चेंज करने का, वो देखिए चेंज कर दिया गया है, जो कि बहुत प्यारा सा लुक निखर के आ रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या चेंजिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेटिंग में जा करके आपको अपडेट जो आया है वो दिखाते हैं, ओके, कि अपडेट में क्या क्या चेंजिंग मिल रहा है, एंड्रॉयड 12 आया है या फिर नहीं आया है, या फिर ऐसे फेक लोगों ने दिया है, वो हम चेक करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए 100 मोड मिल जा रहा है और फ्लेक्सिबल विंडोज़ मिल जा रहा है, ये दो ऑप्शन न्यू है, दोनों ऑप्शन आपको आगे दिखा देंगे क्या क्या है नहीं है कैसे है, ठीक है। नॉर्मली दिखा ही देंगे दोस्तों, दो ऑप्शन आपको मिल जा रहा है स्टार्टिंग में ही, बाकी आपको सेटिंग में दिखाते हैं ओपन करके। सेटिंग में जितना भी ऑप्शन है सबका आइकन लगभग चेंज हो गया है, आप देख लीजिए सभी का आइकन चेंज हो गया है, जो कि एक अच्छा लुक दे रहा है नया यूआई का। तो दोस्तों लीजिए, अब हम सेटिंग ओपन कर लिए हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आया है। सबसे पहले रियलमी यूआई आ गया है 3, इसको जब हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है, वर्जन अप टू डेट, यहाँ पे देख लीजिए बेटा वर्जन मिल रहा है आपको रियलमी यूआई 3.0 एंड्रॉयड 12। अब अबाउट दिस वर्जन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि देखिए जो जो मिलने वाला है सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है, न्यू डिज़ाइन, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, गेम्स में भी चेंजिंग मिल रहा है आपको, कैमरा में चेंजिंग मिल रहा है, सिस्टम में चेंजिंग मिल रहा है, एक्सेसिबिलिटी में चेंजिंग मिल रहा है, ठीक है। सबका इमेज हम अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप जा कर के पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ पे जाके आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर जो भी मिल रहा है आपके सामने है, एंड्रॉयड वर्जन 12 मिल गया है, क्लिक करते हैं एंड्रॉयड वर्जन 12 पे और देखते हैं, ये देख लीजिए सिक्योरिटी 5 जून 2022 का ही है, ठीक है। अब यहाँ से घुमाते रहिए जस्ट
फॉर फन, ठीक है। तो दोस्तों मेरा 12 मिल गया है, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है रियलमी 9i के लिए, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या अपडेट मिला है, ओके। अब हम कैमरा ओपन करके कैमरा में जो अपडेट आया है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे जितना संभव हो पाएगा हम दिखा देंगे, ओके। ये देख लीजिए, इंटरफेस में बहुत अच्छी तरह का चेंजिंग किया गया है, जो कि बहुत प्यारा लुक दे रहा है कैमरा का, सेटिंग का या फिर इंटरफेस जो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आगे हम दिखाते हैं फ़ोटो ले करके, जिसमें कि जूमिंग में चेंजिंग किया गया है। जूमिंग का ये फ्रंट पे ही स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जा रहा है, स्लाइड करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में देख लीजिए, वीडियो में कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। पोर्ट्रेट में भी वही सब चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं है। मोर में देख लेते हैं एक बार, मोर में इंटर करके क्या आया है ये देख लीजिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा HD का ऑप्शन आया है, जो हल्का चेंजिंग दिख रहा है। ये वाला शायद पहले नहीं था, लगभग ये वाला नहीं था पहले, शायद हो भी सकता है, लेकिन हमारे अंदाज से नहीं था। फोकस वाला लोगो को भी चेंज किया गया है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम HD वाला जो कैमरा होता है ना, उसमें इस टाइप का लोगो दिया जाता है, जो कि आपको रियलमी 9i में मिल जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी अपडेट किया है, जिसने भी दिमाग लगाया होगा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है भाई ने, अच्छा अपडेट दिया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसका जूम इन जूम आउट का फंक्शन आपको दिखाते हैं, क्या आपको चेंजिंग मिला है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा यहाँ पे इंटरफेस मिल रहा है, ठीक है। यहीं पर आप सिर्फ स्लाइड कीजिएगा और जितना चाहिए उतना जूम होगा, ओके। जैसा कि Redmi Note 10 Pro Max में दिया गया है, इसमें भी उसी टाइप का इंटरफेस मिल जा रहा है आपको, वो भी 10x के साथ, जो कि बहुत बड़ा उपलब्धि है Realme 9i के लिए। तो दोस्तों, कैमरा में जितना भी चेंजिंग आया है लगभग हमने दिखा दिया आपको। अब आइए फ्लेक्सिबल विंडोज़ का ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, क्या है नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका एनिमेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है आपको कि किस तरह का चेंजिंग आपको मिलेगा फ्लेक्सिबल विंडोज़ में। और नीचे इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, ओपन फ्रॉम स्मार्ट साइड बार, रिसाइज विंडो, मिनी विंडो, क्विकली हाइड विंडो, शेयर फाइल्स, स्विच टू स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है। इतना टाइप का आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल विंडोज, ओके। अब इसका नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाते हैं, अब है वन हैंडेड मोड। यहाँ पे देख लीजिए, एनिमेशन थोड़ा आपको दिखाया जा रहा है और लिख करके बताया गया है सारा डिटेल कि कैसे आप वन हैंडेड मोड का यूज कर सकते हैं। वन हैंडेड मोड के सामने जो ऑप्शन दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए, उसे ऑन कीजिएगा तो वो ऑन रहेगा और आप शॉर्टकटली वन हैंडेड मोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चेंजिंग मिला है, उसे भी आपको दिखा ही देते हैं। देख लीजिए, नोटिफिकेशन का पहले वर्टिकली आता था, अभी हॉरिजेंटली कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताते जाते हैं कि जब भी हमने Realme 9i को अपडेट किया है, तो अपडेटिंग के बाद मोबाइल में कोई इशू नहीं आया है। और इसके रिस्पेक्ट में Redmi Note 10 Pro Max को देखते हैं, तो उसमें जब भी अपडेट आता है, किसी न किसी चीज़ का प्रॉब्लम रह ही जाता है। जैसे कि पिछला वीडियो आपको बताया था, वो इक्वलाइजर प्रॉब्लम है, एक बार इक्वलाइजर ऑन कर लीजिए फिर हाइड कीजिए तो आता नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब